इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। रीवा में दबंग पुलिस अधीक्षक का दबंग फ्लैग मार्च। नववर्ष शांति सौहार्द व नशा मुक्त होकर मनाया जाए, जनता से की अपील। शहर के असामाजिक तत्वों को दिखाया पुलिस का खौफ। कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं रहे कायदे में तो हम तुम्हें कायदे में रखना जानते हैं। हम में है दम, हम है मध्य प्रदेश पुलिस। रीवा में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसी ने नव वर्ष के आगमन को लेकर फ्लैग मार्च निकाला, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी, थाना प्रभारी थाना अहमिया दीपक तिवारी, थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह, थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा, थाना प्रभारी थाना रायपुर करचुलियान पुष्पेंद्र सिंह यादव, थाना प्रभारी थाना विश्वविद्यालय विद्या वारिधि तिवारी व अन्य थानों के प्रभारी आरक्षक, प्रधान आरक्षक व अन्य अधिकारीगण शामिल हुए। फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम रीवा से होते हुए शिल्पी प्लाजा व शिल्पी प्लाजा से धोबिया टंकी तक निकाला गया। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि नववर्ष आगमन हो रहा है, जिसमें लोगों में काफी हर्ष व उल्लास व्याप्त है, लेकिन असामाजिक तत्व कहीं कोई अप्रिय घटना या वारदात न करे। नववर्ष का स्वागत शांति सौहार्द व नशा मुक्त होकर करें। इंडियन टीवी न्यूज से राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने सबसे अपील की है कि नया वर्ष में उल्लास से मनाएं, आनंद से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, परंतु किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि कानून का उल्लंघन हो और अन्य किसी व्यक्ति को समस्या हो। और विशेष रूप से हम चाहते हैं कि नशा रहित नव वर्ष का स्वागत किया जाए, जिससे कि दुर्घटनाओं से बच सके और नव वर्ष का स्वागत हम लोग पूरे ऊर्जा और उत्साह से कर सके, परंतु किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना से बचे और अपने मित्रों साथियों के साथ में उसी से नए वर्ष का प्रवेश करें। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।